गुरु नानक कहना की चाहते ने, पहले पातशाह जी का वाक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दलील दी है, जब कोई मनुख पहले पहले कोई कर्म करता है शुभ या अशुभ, चलो अशुभ नू लईए, झूठ बोलता है एक कर्म, उस कर्म का अंदर हल्का जिहा संस्कार बन गया, फिर झूठ बोलिया, फिर होर जरा संस्कार प्रबल बन गया। जिमें कोई मुसव्वर तस्वीर बनाता है, पहले तो लकीर ही खिंचद है ना, तस्वीर मुकम्मल तो किसी वक्त आती है ना, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अजे पहले तो लकीर ही लकीर ने, फिर रंग भरता है, फिर नैन नक्श बनाता है, फिर एक दिन पूरी तस्वीर प्रगट आती है, एकदम नहीं आती। मुसव्वर चित्रकार इस ढंग नाल बना दे, पहले पहले झूठ बोले है, अंदर संस्कार बन गया, लकीर तो बन गई है, फिर बोले है, जरा होर लकीर पै गई, फिर बोले है, रंग भरने शुरू हो गए, बार बार बोले है झूठ, झूठ बोलना संस्कारां दा संग्रह होके सुभाव बन गया, आदत बन गया, और सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। महापुरुष कर्म बदलते ने, संस्कार बदलते ने, सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदल सकते। बड़े तो बड़े अवतारी पुरुष भी फेल हो गए, दुर्योधन का सुभाव नहीं बदल सके, श्री कृष्ण नहीं बदल सके। 90 साल तक औरंगजेब जुल्म ही करता रहा, पाप ही करता रहा। फकीरां ने समझाया, जिन्हां जिन्हां फकीरां ने समझाया कि जिहड़े जिहड़े फकीर दारे दा पक्ष लैंदे सन, औरंगजेब ने कतल कर दिते। सरमद नूं दिल्ली दे लाल किले च कतल कर दिता, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी उसने कतल कर दिते। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जनेऊ का पक्ष ले लिया, टिक्के का पक्ष ले लिया, शहीद कर दिता। इन्हें की प्रेरणा लेनी सी, कारण जुल्म करना उदा सिर्फ कर्म नहीं सी, उदे सिर्फ संस्कार नहीं सन, आदत बन गई सी, सुभाव बन गया सी। सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदलते। ये भी मैं अर्ज करा, 17-18 दिन तक दुर्योधन नु समझांदे रहे ने श्री कृष्ण। हुण श्री कृष्ण जैसा समझाण वाला होवे, दलीलां जिस दियां दासियां होवन, शब्दां दा जिस कोल बड़ा भंडार होवे, ते अनुभव प्रकाश भी होवे, वह भी ना समझा सके। अवतार समझाण दे सफल होंदे ने किस नूं, अजे कर्म सिर्फ कर्म है, बदलिया जा सकदा है। अजे कर्म सिर्फ माड़ा मोटा संस्कार बनया है, बदलिया जा सकता है। बार बार कर्म रिपीट होया, दोहराया गया, संस्कार बन के सुभाव बन गया, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पहले दिन शराब पीती है, एक कर्म है, हल्का जिहा संस्कार है, छुड़ाई जा सकती है, बदली जा सकती है। फिर पीती है, फिर पीती है, फिर पीती है, संस्कार प्रबल होंदे गए, प्रबल होंदे गए, पर अजे भी संस्कारां विच है और कर्म है, बदले जा सकते। पर रोज रोज पींदियां 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 संस्कारां दी प्रबल सुभाव बन गई, आदत बन गई, उन दुनिया विच कोई भी आ जाए नहीं समझा सकता इस। कवि तुलसी कहते हैं, फले फूले ना बैत जदब बरसे सुधारस, मूर्ख तो ना समझे जे गुरु मिले बिरंच सम। मूर्खता जिसका सुभाव बन गया, ब्रह्मा भी उसके सुभाव को नहीं बदल सकता। कवि तुलसी नहीं बदल सकता। ब्रह्मे जैसा शास्त्रकार, ब्रह्मे जैसा महाज्ञानी, ब्रह्मे जैसा चतुर्मुखी, हर दिशा विच देखण वाला, हर गल नूं समझण वाला, मूर्ख नूं नहीं समझा सकता। किहड़े मूर्ख नूं? मूर्खता जिसका सुभाव है, मूर्खता जिस दे जी सिर्फ कर्म नहीं ने, कर्म कर करके सुभाव बन गया।
बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म है, बदलिया जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है, छोड़िया जा सकता है। बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म नहीं, आदत बन गई है, स्वभाव बन गए, नहीं छुड़ाया जा सकता। बड़े बड़े अवतारी पुरुष फेल रह गए। रोज रोज मोहम्मद साहब अपने चाचे नु समझांदे रहे। आप दी ग्यातली अर्ज करा, छोटे जे सन 2 साल दे, आमना जो इन्हां दी माता सी चलाना कर गई, यतीम रह गए। 6 साल दे सन ते पिता भी चलाना कर गए, बिल्कुल यतीम हो गए। चाचे ने पालिया, चाचे दा नाम सी अबू तालब, उन्होंने पालिया। ते भाई गुरदास कहंदे ने, पिता का प्यार ना परोसी पे पाइए, चाचे तो भी नहीं मिल सकता, परोसी तो नहीं मिलेगा। प्यो दा प्यार चाचे तो भी नहीं मिल सकता, ताए तो भी नहीं मिल सकता, प्यो दा प्यार प्यो तो ही मिल सकता है। तो पिता भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं, चाचे ने पालिया। कई दफा समझाया, मोहम्मद साहब ने जवान होके जदों पैगंबर बने, उन्होंने अनुभव प्रकाश होया और उन्होंने कहन लगे, तुसी बुतां दी पूजा ना करिया करो। वो मूर्ति पूजते सन, आखिरी समय तक अबू तालब मूर्ति दी पूजा करता रहा, मोहम्मद साहब की गल नहीं मनी। तो अबू तालब कहते सन, मेरे इन्हों हथा ने तेनों पालिया खिडाया, तू मैनू उपदेश करदा, पैगंबर होवेगा जगत लई, मेरे लिए नहीं है। उत्थे फिर अखीर विच मोहम्मद साहब नू कहना पिया, चाचा जान ये थोड़ी आदत बन गई है, वाकई नहीं मैं बदल सकता, आदत बन गई, थोड़ी आदत बन गई। कोई भी कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारों का संग्रह बन के जब आदत बन जाए, तो इस आदत नो अवतार भी नहीं छुड़ा सकते। छोटी जबान नल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा, अवतारा ने की बदलना सी, उन्हां दुष्टा ने अवतारा नो सूली ते टंग के रख दिता है, जिन्हां नो समझांदे पै सन नहीं समझे, उन्हां ते सूली ते टंग के रख दिता है। सुकरात दा भी यही कसूर सी, यूनान हजारां साल तो मूर्ति दी पूजा करदा सी, ते सुकरात इसके खिलाफ बोलदा सी, बस इन्ना ही कसूर सी, गिरफ्तार होया। वक्त दी हकूमत ने यह आख्या, तू प्रचार बंद कर, क्योंकि लोगों का सुभाव है मूर्ति पूजा करना, लोगों की आदत है। लगता हुक्मरान कोई सियाना सी जो ऐसा कहना, आदत है, स्वभाव है, तू बोलना बंद कर। कि सुकरात कहने लगा, की करा बोलना, मेरा भी स्वभाव मैं नहीं बंद कर सकता, मेरा भी स्वभाव बन गया, मेरी भी आदत बन गई, कि जे वो नहीं अपनी आदत बल सद, मैं कितों बदलना, मेरी भी आदत बन गई। जैसे कथा तो तुसी सुनी होगी, एक योगी बार बार बिच्छू नू बाहर कढ़ रहा है, वो बार बार डंग मार रहा है पानी विच, आखिर चेले ने कहा, पानी च रहने दे, क्यों बार बार कढ़दे हो, थानू डंग मार रहा है। कहिंदे की करिए, डंग मारना एदा सुभा है, ते परोपकार करना मेरा सुभाव, हुण मैं की करना, मैं डंग ते मार नहीं सकता। शेख सादी ने एक बड़ी सोहनी कहानी लिखी है, सगे पाए सहर आए नशीने गदी बखशमे के खूनश दंदा चेकंद। एक लकड़हारा सिर दे लखणा दा गठा चुक के अपने घर दी तरफ आ रहा है, रोज जंगल जांदा सी, लकड़ियां लैंदा सी, घर दे च रखदा सी, ते खरीदार घरों ही लै जांदे सन। आमदिया रस्ते कुत्ते ने कट खादा,
बड़ा भारी जख्म बन गया, खून वगया। उस हालत दे जद घर आया, इस लकड़हारे दी सिर्फ इको एक बच्ची सी, नौजवान। अपने बुढ़े प्यो की यह हालत देखी उन्हों तरस बड़ा है। वो गुस्से च कहन लगी कि आखिर तोरा तेज दंदा ना बहू, ऐ मेरे अबू थोड़े कोल तेज दंद नहीं सन, जे कुत्ते ने थानू कट खा दिया तुसी भी कट खाना सी। पता है बुढ़ा लकड़हारा की कहता है, अपनी बच्ची दे सिर पे हाथ रख के कहता है, वह लेकिन ना आया नवायद मरदम सगी, मैं सग नहीं हां, कुत्ता नहीं हां, मनुख हां, ते मनुख कोल कुत्तियां वाला काम नहीं हो सकता। वह लेकिन ना आयद जा मरदम सगी, मैं मरदम मनुख हां, ते मनुख हो के कुत्तियां वाला काम किवें कर लो, कुत्ते ने मैनू कटिया ओदा सुभा, मैं किवें कटा, मैं मनुख हां, मैं कुत्ता नहीं हां, मैं किस तरह कटा। भले किन्ना मरदम सगी, कर्म संस्कारां दा संग्रह बन के सुभाव बन जाए, नहीं बदलते, नहीं बदलते। वक्त दे हुक्मरान ने सजाए मौत सुनाई सुकरात नूं, जहर दा प्याला उस वक्त यूनान दे सजाए मौत देण दा डंग सी, प्याला जहर दा हाथ च है, पीण लगा है सुकरात, हुक्मरान रोकदा है, कहिंदे कानून दी एक जद दे मुताबिक मैं तेनू छोड़ सकदा अगर तू कबूल करें। सुकरात कहिंदे ओ कि तू ए मुल्क छोड़ के चला जा, बैलगड्डियां ते घोड़े गड्डियां ते तू अपना साजो समान भी लद के लै जा, परिवार भी लै जा, असी ए भी इजाजत देंदे आ, ये मुल्क छोड़ के चला जा। सुकरात कहिंदे नहीं, मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं एथन नहीं छोड़ सकता। मुनसिफ कहिंदा है सजाए मौत तो बच जावेगा, मौत तो बच जावेगा। सुकरात कहिंदा नहीं बचांगा, जिथे जावांगा उत्थे भी एहो जिया दे मनुख होणगे ते थोड़े जैसे हुक्मरान होणगे, कोई आसमान तो थोड़ी डिगे ने, उत्थे भी मैं यही कुछ बोलांगा, संघर्ष होवेगा, उत्थे भी सजाए मौत होवेगी, इत्थे ही ठीक है, इत्थे ही ठीक है। सियाणा मनुख सी, पता सी इसनूं, कोई भी कर्म शुभ कर्म सच बोलना जिदा सुभा बन गया है, लख भी झूठे कट्ठे होवन उहदे सुभा नूं नहीं बदल सकते। कबीर ने कहा संत ना छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत, करोड़ां दुष्ट मिल जान संत अपनी दया नहीं छोड़दा, संत अपना परोपकार नहीं छोड़दा, संत अपना सुभा नहीं छोड़दा। संत ना छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े तो शीतलता न तजन। भावें सप लिपटे रहिंदे ने चंदन नूं, ते चंदन उन्हां नूं भी शीतलता दे जांदा, सुगंधी दे जांदा, उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी महक देंदा, उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी ठंड देंदा। करोड़ां दुष्ट होवन संत दुष्टपणा नहीं लैंदा, क्यों? संतपणा उसदा सुभा बन गया, दया उसका सुभा है, शील संजम उसका सुभा है, परोपकार उसका सुभा है, कोमलता उसका सुभा है, कठोरपणा उसका सुभा है। कर्म बदल जाते हैं, सत्संग की महिमा इस वास्ते कर्म बदले जा सकते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं। कर्म बार बार रिपीट होके, बार बार रिपीट होके संस्कारां दे संग्रह बनके जब सुभा बन जाते हैं, नहीं बदलते। मेरे देखे गुस्ताखी माफ,
कोई एक अवतार भी सुभाव बदलण दे समर्थ नहीं होया। सुभाव की बदलने सन उन्होंने ते सूली ते चाड़ दिता, जहर का प्याला दे दिता। सुभाव की बदलना सी पंजवें गुरु नानक नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता, नहीं बदलते सुभाव। कोई भी अशुभ कर्म उन्हों सुभा ना बनन देना, यही सियाणप है। और यह सूझबूझ संगत तो मिलती है, सत्संग तो मिलती है। किसी भी दुष्ट कर्म नो आदत ना बनन देना, यह सत्संग दा लाभ है, गुरबाणी दा लाभ है। पर जे दुष्ट कर्म सुभा बन गए, आदत बन गए, तो गुरु नानक दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा, राती होवन कालिया सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना कालिया काले वन। चिट्टा दिन चढ़िया, बग्गा दिन चढ़िया, पर कालिया चीजा नु चिट्टा नहीं कर सकता। कालिया चीजा कालिया, काली बोली रात आई है मसिया दी, पर चिटिया चीजा चिटिया ही ने, उन्होंने काला नहीं कर सकते। जिसका सुभाव सफेद है, शुभ है, अशुभ नहीं होगा। जिसका सुभाव ही काला है, करूप है, कठोर है, दुष्ट है, नहीं बदलेगा। गुरु नानक यह कह रहे हैं। सतगुरु देव जी महाराज अपने वाक विच यह कह रहे हैं, तो मैं अर्ज करा दो चार महीनों का कपड़ा मैला होवे, मैल दिखाई देती है, कपड़ा नहीं दिखाई देता। यह जिहड़ा साडा मन है, एक दिन का मैल है, एक महीने का मैल है, या एक साल का, या एक जन्म का, नहीं। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्या। अनंत जन्मां दा मैल है, फिर भी मैं अर्ज करा साफ हो सकता है, साफ हो सकता है। जिहड़े जिहड़े सत्संग दी तड़प रखते हैं, अमृत वेला सुभावक उठ बैठते हैं, खिच रखते हैं, यह पहचान है कि मलनता अजे सुभा नहीं बनी, दुष्टपना सुभा नहीं बने। पर गुरुद्वारे विच भी आके दान की बिरती ना पैदा होवे, खोण की बिरती पैदा होवे, किवें जेब कटीए, किवें गुरुद्वारे वालियां नूं धोखा देईए। इत्थे भी अंदर बुरे विचार चलन, रंग वेख के, रूप वेख के, धन वेख के, संपदा वेख के, और रोज रोज इस तरह होवे, तो एक गल स्पष्ट है, दुष्टपना इसका सुभा बन गया। कथा कीर्तन नाल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का ऐसा तजर्बा है, मेरे नाल कुछ सज्जन ती ती चाली चाली साल तो भी रह गए, जैसे कि चंगी आत्मा भाई कल्याण सिंह, यह मेरे नाल 40 साल तो है, और बेदाग जिंदगी इन्हां दी, चंगे विचार ने। वह सज्जन ते हुण नहीं रहा। मैं देखिया रोज रोज मैला ही हुंदा गया, दुष्टपना उसका वधदा ही गया। दिन विच 10 बंदियां नाल लड़ ना लवे, गाली गलोच ना कर लवे, उन्हों चैन नहीं मिलता। एक दिन मैं ही उन्हों हाथ जोड़े, मैं कह इस तरह है, तू मैनू छोड़ के चला जा, तेरे करके मैनू गिले बड़े आउंदे। कहन लगा थोड़े नाल रहना भी हुण मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता, यह भी मेरी आदत बन गई। जो तुसी कहंदे हो गाली गलोच करना लड़ना भी मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता, साफ कह दिता। उस नाल दे साथी जान देन सन, बेचारा गुजर गया, पिछले साल ही गुजरिया। जिहड़ा परोपकार करे उहदे नाल भी लड़ पैना, जिहड़ा सेवा करे उन्हों भी गालां गुलां कट देनी,
हर वक्त क्रोध च रहना, हर वक्त क्रोध च रहना। और एक दिन तो उसने कबूल कर लिया, गहने जी मैं नहीं कट सकता क्रोध नू, लड़न लई मैनू कोई बंदा चाहिए, कोई बंदा चाहिए, बस बंदा ही चाहिए, भावे उसने कसूर किया भावे नहीं किया। इस तरह की आदत सुभाव बन गया, फितरत बन गई। कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए नहीं छुटती।